फिल्म के लिए प्रभास सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और क्यों दिन में एक बार नहीं दो बार उन्हें जिम जाना पड़ रहा है। स्वागत है आपका बॉलीगार्ड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा और मुझे एक ऑब्जर्वेशन हुई है कि जब भी एक नया साल आता है तो बहुत सारी चीजें लेकर आता है। इस बार तो COVID-19 की वैक्सीन लेकर आया है, लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले एक रेजोल्यूशन बनाया करते थे लोग, और अब भी पता नहीं मुझे लगता बनाते कि नहीं बनाते हैं, लेकिन हर रेजोल्यूशन में एक रेजोल्यूशन जिम का जरूर होता है कि मैं 1 तारीख से जिम जरूर जाऊंगा। और ये रेजोल्यूशन वो हर साल बनाते रहते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, कभी भी नहीं पूरा कर पाते। आपको बता दूं कि 92 के स्कैम से बड़ा स्कैम है ये जिम रेजोल्यूशन वाला, मतलब किसी का पूरा नहीं होता। मुझे लगता है कि गोवा ट्रिप के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो इस जिम रेजोल्यूशन का नंबर है। ये वो चीजें हैं जो दुनिया में लाखों में करोड़ों में सालों में एक बार होती हैं। आपका रेजोल्यूशन पूरा हुआ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दूं कि एक बंदे का रेजोल्यूशन तो नहीं था, लेकिन उसने ये कर दिखाया है, और वो कोई और नहीं तमिल सुपरस्टार प्रभास हैं। आपको बता दूं कि प्रभास ने जिम ज्वाइन कर लिया है और वो अपनी परफेक्टली लीन बॉडी के लिए एक बार नहीं दिन में दो बार जिम जा रहे हैं। तब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे भी स्टार हैं और लड़कियां इन पर ऐसे भी फिदा रहती हैं। तो आपको बता दूं कि प्रभास अपने काम के लिए काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने आदि पुरुष के लिए परफेक्टली लीन बॉडी के लिए जिम ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से वो एक बार नहीं दो बार जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत ही मस्त से वो दिखने वाले हैं। आदि पुरुष एक रामायण ग्रंथ पर होने वाली है जिसमें वो लॉर्ड राम का किरदार निभाने वाले हैं। उनके अपोजिट सैफ अली खान दिखाई देंगे जिसमें वो रावण का किरदार निभाने वाले हैं। अब प्रभास इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, किसी महापुरुष ने ओम शांति ओम में कहा था कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो अब प्रभास को ये लीन बॉडी तो ऊपर वाला दिलाई देगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में नहीं भाव खाने में लग जाती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आपको बता दूं कि आदि पुरुष के लिए रिसेंटली प्रभास स्पॉट किए गए हैं मुंबई में, और अगर खबरों की बात माने तो आदि पुरुष की शूटिंग मुंबई में होना तय है। तो अगर ऐसा होता है तो प्रभास तो नहीं सैफ अली खान के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सैफ अली खान का सीजन 2 यानी कि तैमूर का छोटा भाई आ गया है। फिलहाल देखना है कि आगे क्या होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रीडिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीगार्ड स्टूडियोज़ को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।